सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक। आज होने वाला है जी यूएई में पहला रोज़ा और आज हम लोग रखने वाले हैं पहली सहरी। आप कहते हो कि मुझे पैलेस चाहिए, उस चीज़ की भी दुआ करो, अल्लाह ताला से जो है ना बड़ी बड़ी दुआएं मांगा करो, बिकॉज उनके सामने ये जो हम पैलेस और ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इट्स नथिंग। तो ये मत सोचें कि मैं छोटी सी दुआ मांगूंगा या मांगूंगी तो वो पूरी हो जाएगी अल्लाह ताला की तरफ से, तो हैसियत देख के दुआ मत मांगे। आई डोंट हैव एनीथिंग कि मैं कोई पानी से रोज़ा खोलूँ या डेट से रोज़ा खोलूँ, आई डोंट हैव एनीथिंग। Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel Tuleen's Vlog. I hope आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक। आज होने वाला है जी यूएई में पहला रोज़ा और आज हम लोग रखने वाले हैं पहली सहरी। तो अभी तकरीबन बज रहे हैं रात के 12:40 और अभी मैं थोड़ी देर में सोने वाली हूँ क्योंकि मुझे सुबह सहरी में उठना है और कल मुझे जो है ऑफिस जाना है, तो उसके लिए मेरी नींद पूरी होनी चाहिए। साथ ही साथ क्या हुआ फूफी, साथ ही साथ जो मेरी बिल्ली है ना, बिल्ली नहीं बिल्ला जो है, वो मुझे पता नहीं उसको नींद नहीं आ रही है तो मुझे तंग कर रहा है। तो चले सोते हैं थोड़ा सा, फिर सहरी में उठते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और एक और चीज़, अगर तो आप मेरा व्लॉग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आने वाली वीडियोज़ का ज़रूर इंतज़ार करें, बिकॉज़ आने वाली जो वीडियोज़ है ना वो बहुत ही अमेजिंग होने वाली हैं। सी यू इन अ बिट। What happened to you? सोना नहीं आपने, रोज़ा नहीं रखना है? क्या हुआ, खाना तो आपने खा लिया था? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सहूर भी वजू करके करो, अगर थोड़ा टाइम बाकी है, थोड़ा ही बाकी है, 5:15 बन रहा है, थोड़ा ही बाकी है, देखो ना मिला मुझे। हेलो गाइस, कैसा जा रहा है आप लोग का रोज़ा? आई होप आप लोग का पहला रोज़ा, जो लोग जीसीसी में होंगे उन सब का रोज़ा अच्छा जा रहा होगा। और मैं जो हूँ अभी ऑफिस से रिकॉर्ड कर रही हूँ, बिकॉज सुबह मैं सोई थी कोई तकरीबन 6 बजे के करीब और 7:25 का मैंने अलार्म लगाया था और वो बजा था, लेकिन जो है मेरी नींद जो इतनी पक्की हुई हुई थी कि मैं नहीं उठ पाई एंड मेरी आँख खुली जाकर 8:05 पर और 8:15 में मेरी गाड़ी आती है। कैन यू इमेजिन कि मैं कितनी जल्दी जल्दी तैयार हुई, जल्दी से भागते भागते मैं तैयार हुई। फिर उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं जो है रिकॉर्ड कर सकूँ, क्यों, क्योंकि मैं लेट पहुंची थी ऑफिस, बिकॉज अभी यूएई में जो है बारिश हुई थी और बिल्कुल फ्लडेड था और इस वजह से मैं लेट हो गई। तो खैर अभी बज रहे हैं आई थिंक 2 और 4 बजे जो है हम लोग जाएँगे घर, और बस यही चल रहा है अभी तक। अभी मेरी मीटिंग है तो बस मीटिंग ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद मैं जाती हूँ लाइव। लाइव मैं कहाँ जाती हूँ, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं जाती हूँ लाइव टिकटॉक पे, ठीक है? सो कीप ऑन वॉचिंग, आई होप आप लोग नमाज वगैरह जो है टाइम से पढ़ रहे होंगे। सो हियर इज़ माई कोलीग, आई वुड लाइक टू आस्क हिम, हाउ इज़ योर फास्ट गोइंग अहमद? हाय गाइस, हाउ आर यू? इट्स गुड, it's as usual, but I usually we get up, we don't sometimes eat, but today when you are actually fasting you feel that okay, huh. You have been involved with some fast, it's nice, it's good. I mean it'll take 3 days to get used to it. You can see my voice already. So looking forward to go home and break the fast. So now we will have a meeting. Yes, so I wish you guys all the very best. I'm wishing all the best anyways. A blessed Ramadan. A blessed Ramadan. To shower and flourish all the duas which we are all looking for this month. Inshallah, inshallah, inshallah. Amin for all. तो बस इस महीने जितनी आप दुआएं कर सकते हैं करें, क्योंकि एक ही तो महीना होता है यार, इसी महीने में थोड़े से नमाजी शमाजी बन जाएं और अपने जितने भी गुनाह हैं उनको बख्शवा लें और पूरा साल जो है हम लोग फिर गुनाहों में लगे रहें। नहीं, ये महीना इसलिए आता है टू ट्रेन आर सेल्स कि पूरा साल जो है, अगर हम एक महीना ऐसे हो सकते हैं तो पूरा साल क्यों नहीं हो सकते हैं। तो यस, तो चलें मीटिंग स्टार्ट करते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। व्हाट डिड यू जस्ट टेल अबाउट द क्लाइंट, बिकॉज वी वर सपोज टू हैव अ मीटिंग एंड वी वर सपोज टू हैव अ मीटिंग राइट नाउ विद द क्लाइंट, इट्स फ्रॉम अफगानिस्तान, आई डोंट वांट टू डिले,
they give commitments, they were really serious on the call, just 2 hours back. And then he said, I have a PhD 5 minutes. I had another meeting, I cancelled that and I came for this. But suddenly they're not turning up. This is reality. In immigration, so, we also have to, you know, face the same thing. If you say that, you know, immigration people, they always scam. So you also scam us. Because they scam our time. Exactly. Our time is important. We have 6 hours of working. 6 hours, we're trying to do our best to the people who are out there. But the people out there, I'm sorry to say, they're just scamming our time. And I feel pity for them. They will remain to be in GCC forever. Because the process is just for them. It's not for us. But it's fine. Let's go. Yeah, let's go. Let's go live. तो गाइस कड़कती सी धूप है और अभी हम लोग जाने वाले हैं जी घर. कैन यू होल्ड दिस वन, सो लेट मी फिक्स माय हिजाब. तो अभी हम लोग जाने वाले हैं घर. अभी मैं अपनी कार लिफ्ट का वेट कर रही हूँ और पहला दिन है तो अभी से देखिए यहाँ पे रश हो गया स्टार्ट. हाँ, पहला दिन है और रोज़ा जो है माशाल्लाह अच्छा जा रहा है यार. अब पहला दिन है, रोज़ा जो है लग भी रहा है और अच्छा भी जा रहा है, लेकिन अब बस थोड़ा सा टाइम रह गया, अब घर चलते हैं और बस इंशाल्लाह फिर इफ्तार करते हैं. तो हाउ इज़ योर फास्ट गोइंग मिस्टर अहमजाज़र? आई एम लुकिंग फॉर सम डेट्स एंड व्हाट आर यार. व्हाई? फर्स्ट डे, नो, फर्स्ट डे इज रोज़ा लगिंग. हाँ, रोज़ा से रोज़ा लगिंग, रोज़ा लगिंग गाइस. तो बस अभी हम अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं और बस फिर चलते हैं घर. Ahmed, your finger is there on my camera. No. खलास. तो बस ये चीज़ है गाइज, कीप ऑन वॉचिंग गाइज. वो रही मेरी ड्रीम कार, आई लव दिस जीप. इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं भी लूँगी किसी दिन इंशाल्लाह. तो गाइज मैंने जैसे आपको अपनी ड्रीम जीप दिखाई है या गाड़ी दिखाई है, तो मैं आप लोगों से आज, वैसे भी मेरा व्लॉग बन रहा है, तो ज़िंदगी में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है जब तक आप उसको पॉसिबल ना बनाओ, उस चीज़ के लिए मेहनत ना करो. मेहनत के साथ साथ बहुत से लोग मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन वो अल्लाह ताला के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं. वो जो है उनका कनेक्शन जो है वो उनके साथ इतना स्ट्रांग नहीं होता है. वो क्या करते हैं, वो ज़िंदगी में बस भाग दौड़ करते रहते हैं करते रहते हैं. कुछ लोगों को मिल जाते हैं, कुछ लोगों को नहीं मिलता. मैं उन लोगों को यही कहना चाहती हूँ गाइस, इस रमज़ान चाहे आप कहते हो कि मुझे पैलेस चाहिए, उस चीज़ की भी दुआ करो. अल्लाह ताला से जो है ना बड़ी बड़ी दुआएं मांगा करो, बिकॉज़ उनके सामने ये जो हम पैलेस और ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इट्स नथिंग. तो ये मत सोचें कि मैं छोटी सी दुआ मांगूंगा या मांगूंगी तो वो पूरी हो जाएगी अल्लाह ताला की तरफ से. तो हैसियत देख के दुआ मत मांगें, बड़ी बड़ी दुआएँ मांगें और इंशाल्लाह जो है हम सब की दुआएँ इस रमज़ान जो है पूरी होने वाली हैं. स्पेशली मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि फ़लस्तीन के लिए जो है वो ज़रूर दुआ मांगिएगा, क्योंकि वो बेचारे जो हैं वो उधर स्ट्रगल कर रहे हैं और वो बहुत कुछ फेस कर रहे हैं. हम लोग तो फिर अपने कंफर्ट जोन में हैं, सब चीज़ें हमारे पास हैं, लेकिन उन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, ना सोने को है ना खाने को है. तो ये चीज़ है गाइज, अभी भी हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं तो फिर हम चलते हैं घर और फिर हम लोग रोज़ा खोलते हैं और ढेर सारी दुआएँ करते हैं. 5 बजने को है लेकिन अभी तक जो है ना कार लिफ्ट वाला नहीं आया. यहाँ पे ना कार लिफ्ट्स के ये बड़े मसले होते हैं, कभी किसको उठाते हैं तो कभी किसको उठाते हैं, कभी कहते हैं यहाँ पे वॉक करके और कभी कहते हैं वहाँ पे. एक तो मुझे रोज़ा माशाल्लाह जो है पहला रोज़ा है और ऊपर से जो है ना ये तंग कर रहे हैं. अभी तक जो है गाड़ी नहीं है, 1 घंटे से आई एम डाउन. उफ़ गाइस, जाम पैक ट्रैफिक यहाँ पे है और रोज़ा खुलने से 10 मिनट लगेंगे. तो आप देख सकते हैं कि मेरा कोई क्लास नहीं घर पहुँचा है. And we're still in Dubai. Guys, अभी हुआ ये है कि रोज़ा जो है वो खुल चुका है और अभी भी मैं रस्ते में नहीं हूँ. आई डोंट हैव एनी थिंग कि मैं कोई पानी से रोज़ा खोलूँ या डेट से रोज़ा खोलूँ. आई डोंट हैव एनी थिंग, तो आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन. अभी भी इतना ट्रैफिक है. सो फाइनली आई एम एट होम. रस्ते में जो है ईशा भी हो गई, मेरा रोज़ा जो है वो खुला ही नहीं. ड्राइवर को बोला था कि गाड़ी रोको लेकिन शायद उसने भी रोज़ा नहीं रखा हुआ था, तो इस वजह से जो है मेरा रोज़ा नहीं खुल पाया उस टाइम. तो ऐसे जैसे मैं उतरी तो मैंने जल्दी से सुपरमार्केट से जो ना पानी पकड़ के पहले रोज़ा खोला, फिर मैं भी घर आके मैंने जो है इफ्तार किया है. और यार मैं इतनी थक चुकी हूँ कि आपकी सोच है, मतलब इतना कोई ख़तरनाक किस्म का ट्रैफिक था
क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले, अभी 2 दिन पहले जो है बारिश हुई थी और इतना पानी कोई ब्लॉक हुआ हुआ था, गाड़ियाँ जाम पैक हुई हुई थी। तो मैं, मेरा भाई जो है माशाल्लाह, हम आगे पीछे जो है देर से आए हैं और बस ये चीज़ है। तो या आई एम प्रॉबेबली जस्ट गोना सिट नाउ, थोड़ा रिलैक्स करूँगी बिकॉज आई एम रियली रियली फीलिंग टायर्ड। सो लेट्स सी।